Hello friends, today I am going to teach you about flowers for different purpose, विभिन्न उद्देश्यों के लिए फूल. फूल the flowers are associated with mankind from the dawn of civilization. जैसे जैसे हमारे सभ्यता का विकास हुआ वैसे वैसे फ्लावर्स सभ्यता के विकास के साथ मनुष्य जुड़े हुए हैं. इट इज़ सेड दैट इन इंडिया, ऐसा कहा जाता है कि भारत में व्यक्ति का जन्म फूल के साथ होता है तथा वह फूलों के साथ रहता है तथा अंत में फूलों के साथ मर जाता है. फ्लावर्स आर सिम्बोलिक नेचर एंड आर यूज फॉर वेरियस पर्पजेज इन आवर डे टू डे लाइफ. फ्लावर्स प्रतीकात्मक होते हैं, स्वभाव से प्रतीकात्मक होते हैं और वो हमारे दिन प्रतिदिन के जीवन में विभिन्न उद्देश्यों की पूर्ति के लिए जैसे वर्षिप पूजा के लिए, रिलीजियस धार्मिक उत्सवों में तथा सोशल फंक्शन सामाजिक उत्सवों में, वेडिंग पर्पज शादी ब्याह में, इंटीरियर डेकोरेशन आंतरिक साज सज्जा में तथा सेल्फ एडोर्नमेंट स्वयं को भी डेकोरेट करने के लिए तरह तरह से, जैसे बटन होल है. जवाहरलाल हमारे प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू को गुलाब का पुष्प बहुत पसंद था, आप लोग जानते हो कि वो कोर्ट में, और जो प्रेसिडेंट थे ज्ञानी जैन सिंह वो भी बटन होल में उसका प्रयोग करते थे, पुष्प लगाते थे. डिफरेंट पर्पजेज आर डिफरेंट फ्लावर्स आर यूज फॉर द कन्वे द ह्यूमन फीलिंग्स. विभिन्न प्रकार के पुष्प व्यक्तियों के फीलिंग को, अनुभवों को, विचारों को प्रकट करने के लिए यूज होते हैं. फ्लावर्स कम्युनली यूज आर सच पर्पजेज आर रोज फॉर लव. जो गुलाब है वो लव का ही, प्यार का इजहार करने के लिए यूज होता है. आप लोग जानते हैं वैलेंटाइन डे वगैरह में गुलाब जो है वो दिया जाता है प्यार का इजहार करने में. इसी तरह कार्नेशन वाइट, एक कार्नेशन वाइट फ्लावर होता है, वो लड़की जो है वो लड़के को अपने प्यार का इजहार करने के लिए देती है. फ्रेंच मेरीगोल्ड, ज्वेलसी सारो, अगर किसी को किसी से ईर्ष्या है तो वो क्या देता है, फ्रेंच मेरीगोल्ड देता है. आप लोग जानते हो बौना गेंदे का फूल देता है तो उसको समझ लिया जाता है कि उससे ईर्ष्या करता है. अगर आप किसी से ईर्ष्या करते हैं तो आप फ्रेंच मेरीगोल्ड उसे दे सकते हैं. अफ्रीकन मेरीगोल्ड, जो अफ्रीकन मेरीगोल्ड है वो वल्गर माइंड के लिए होता है. अगर किसी को आप असभ्य समझते हैं तो अफ्रीकन मेरीगोल्ड प्रेजेंट कर सकते हैं. इसी प्रकार पैंसी, पैंसी यूज फॉर थाट्स. अगर आप कोई चीज़ सोचते हैं किसी के बारे में तो उसे पैंसी दे सकते हैं. नार्सिसिस इज ड्रीम फॉर सेल्फ एस्टीम, स्वयं का जो आकलन है उसके लिए आप नार्सिसिस दे सकते हैं. डफोडिल यूज फॉर रिगार्ड, किसी के सम्मान में आदर करने के लिए डफोडिल दिया जाता है. एमेरिलिस आर यूज फॉर प्राइड, आयरिस फॉर मैसेज. अगर कोई आप किसी को मैसेज देना चाहते हो, संदेश देना चाहते हो तो उसके लिए आयरिस फ्लावर का यूज होता है. इसी तरह लिली यूज फॉर प्योरिटी, शुद्धता के लिए यूज होता है. स्टॉक फॉर लग्जरी लाइफ, अगर किसी की लाइफ लग्जरी है तो उसको आप स्टॉक का फ्लावर प्रेजेंट कर सकते हो. सीट भी फॉर डिपार्चर, अगर किसी को आप विदा कर सकते हो, स्टेशन वगैरह गए हो विदा करने, सियाफ करने, तो उसे आप सीट भी प्रेजेंट कर सकते हो. एंड द फ्लावर्स आर आल्सो एसोसिएटेड विद डिफरेंट गॉड एंड गॉडलेस, सच एज कदम इज एसोसिएटेड विद लॉर्ड कृष्णा, सेमल्टी इज एसोसिएटेड विद शिवा, बहुनिया इज एसोसिएटेड विद सरस्वती, एमरंथस इज एसोसिएटेड विद माँ काली, एलो अमलताष्टी इज दी प्रॉस्पर्टी ट्रेड. अगर व्यापार में समृद्धि का द्योतक होता है जो एलो अमलतास. अशोका साल एंड फलास्टी आर एसोसिएटेड विद द लाइफ ऑफ बुद्धा. इस प्रकार आप देखते हैं कि फ्लावर्स का, मोहम्मद साहब ने तो ये भी कहा है कि हमारे पास अगर एक रोटी है तो हमें आधी रोटी शरीर में भोजन के रूप में यूज करना चाहिए तथा आधी रोटी बेच के फूल खरीद करना चाहिए, क्योंकि जिस प्रकार रोटी शरीर के लिए आवश्यक है उसी तरह फूल जो है मानसिक शांति के लिए आवश्यक है. इस प्रकार फूलों के महत्व के बारे में मैंने आपको बताया.